हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे हो, अच्छा होना भी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक सेकेंड हैंड आईफोन के बारे में। क्या आप लोगों को ये बाइक करना चाहिए या फिर नहीं, और अगर बाइक करते हैं तो आप लोगों को किन किन चीज़ों को ध्यान में रखकर ये आईफोन या कोई भी आईफोन बाइक करना चाहिए। तो फिलहाल मेरे पास है आईफोन 14 और हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईफोन 14 के बारे में और इसके कैमरा के बारे में और जो भी चीज़ें होती हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इस फ़ोन के बैक कैमरा के बारे में। तो दोस्तों, ये रहा पहला सैंपल। बैक साइड का फ़ोटो एकदम ओके देखने को मिला है, और ये भी एक देख सकते हैं आप, फ़ोटो डिटेलिंग एकदम ओके ओके आ रही है। और ये रहा डे लाइट आउटडोर का फ़ोटो, एकदम ऑसम। और ये रहा डे लाइट का बाहर का वीडियो, मैं बोलूँगा वीडियो भी एकदम ओके आ रहा है इस फ़ोन में, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और दोस्तों, ये रहा फ्रंट कैमरा का पहला सेल्फी। डे लाइट का फ़ोटो है आउटडोर का, यहाँ पर मुझे थोड़ा सा ब्लर देखने को मिला, पता नहीं क्यों, मतलब एक नहीं कई फ़ोटो हैं मुझे देखने को ब्लर मिला ही मिला है, पता नहीं इसमें ऐसा क्या इशू है। और दोस्तों, ये रही इनडोर की सेल्फी, यहाँ पर मुझे कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली, मतलब आउटडोर में ब्लर आ रहा है और इनडोर में एकदम ओके सेल्फी आ रही है, क्या ही प्रॉब्लम है पता नहीं। और ये रहा सैंपल आपका आउटडोर का बैक साइड का फ़ोटो का, एकदम ओके। और दोस्तों, ये रहा आपका इनडोर का फ़ोटो, एकदम डिटेलिंग बहुत ही गजब की आ रही है, इसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। तो दोस्तों, जितने भी कैमरा सैंपल्स वीडियो के और फोटो के थे वो मैंने सभी आप लोगों को दिखा दिए हैं, पता नहीं क्योंकि फ्रंट कैमरा में हल्का सा ब्लर लग रहा था। और दोस्तों, बात कर लेते हैं इस फ़ोन के बैटरी हेल्थ के बारे में। तो बैटरी हेल्थ आप लोग देख सकते हैं, अब बात यहाँ पर ये है कि इस फ़ोन को मैंने पूरे दिन में 3 बार चार्ज किया। तो बोलूँगा यार कहीं पे तो कुछ प्रॉब्लम है, मतलब देख रहे हो आप, मतलब अगर आप फ़ोन लें तो उसके सॉफ्टवेयर से चेक करवा लें कि एक्चुअल में बैटरी हेल्थ उतनी है या नहीं है। अब पता नहीं क्या हो गया है कि दुकानों पे यार 100% बैटरी हेल्थ के साथ फ़ोन मिल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। तो फिलहाल जो भी मेरा एक्सपीरियंस था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर आप लोगों को लग रहा हो कि कुछ और भी शेयर करना चाहिए था तो वो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही था। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए एक्साइटिंग और यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं, जय हिंद।